आप भी खेलना चाहते हैं फ्री फायर अपने पीसी या लैपटॉप पे, पर आप वो हर एक इम्यूलेटर आप यूज कर चुके फिर भी जो कि है आपका फ्री फायर चल नहीं पाता, तो भैया टेंशन या कोई बात नहीं, आपका भाई आपके साथ है, तो भैया घबराने की क्या बात है। तो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो पहले जो आज का वीडियो होने वाला है वो काफी खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो लो एंड पीसी लैपटॉप पे खेलना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पास चाहे 2GB रैम हो, ग्राफिक कार्ड के नाम पे घंटा कुछ ना हो, डुअल कोर का प्रोसेसर हो, फिर भी आप फ्री फायर अपने पीसी या लैपटॉप पे खेल सकते। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा ये इस सिमुलेटर का सिस्टम रिक्वायरमेंट कहता। इस सिमुलेटर को रन करने के लिए आपके पास मिनिमम 2GB रैम होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड के नाम पे घंटा कुछ नहीं होना चाहिए, बस डुअल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए। आज की डेट पे अगर आप सब इम्यूलेटर को कंपेयर करें तो भैया KO प्लेयर इम्यूलेटर काफी ओपी इम्यूलेटर है। खासकर मैंने इसे 2GB रैम पे इसे टेस्ट किया है एंड काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है अगर आप अपना ग्राफिक्स क्वालिटी को थोड़ा लो कर ले। तो बोले यहाँ पर अगर आपके पीसी या लैपटॉप पे आप फ्री फायर खेलते हो और उसमें लैग करता है तो भैया आपको ये इम्यूलेटर आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए। और एक बात दोस्तों कि इस इम्यूलेटर का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे गूगल से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको एक अलग वर्जन मिलेगा। मैं आपको एक सूटेबल लो इन पीसी वाला वर्जन दे रहा हूँ जो कि आपके पटेटो पीसी लैपटॉप पर काफ़ी आराम से चल जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल गाइस, इस एम्यूलेटर का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 360 MB का एम्यूलेटर है एंड ये लो एंड पीसी के लिए काफी कंफर्टेबल एम्यूलेटर है। आपको इसे क्या करना है, डबल टैप करके इसे इंस्टॉल करना है, सिंपली आपको ओके करना है, इन या टर्म एंड कंडीशन में आपको एक्सेप्ट करना, नेक्स्ट करना है। एंड दोस्तों जिस भी बैटरी पे आप इसे इंस्टॉल करना चाहे 700 MB के 1GB के आसपास स्पेस खाली रखना, जिस भी बैटरी पे आप इसे इंस्टॉल करना चाहें, तो सिंपली अपन यहाँ डी में इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा KO प्लेयर एम्यूलेटर इंस्टॉल हो रहा है। तो वेल गाइस, इंस्टॉलेशन होने में भी आपका 10 से 15 मिनट ले सकता है आपके कंप्यूटर के स्पीड के ऊपर, तो चलिए इसे इंस्टॉलेशन होने देते हैं। एमुलेटर सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, तो सिंपली आपको फिनिश पे क्लिक करना है एंड जो आपका एमुलेटर है वो ऑटोमेटिकली ही स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप दो ऑप्शन जैसे कि आप देख सकते हैं, एक यहां पर लिखा रहा है कि स्पीड मोड और एक कंफर्टेबल मोड। तो भैया अपने को कंफर्टेबल मोड में जाना है, स्पीड मोड पे नहीं जाना। अगर आप स्पीड मोड चूज़ करते हो और अगर आपके पास 2GB रैम या 1GB रैम वाला पीसी या लैपटॉप है तो भैया काफ़ी लैग करेगा, मतलब आपको सेकेंड वाला ऑप्शन ही इसको चूज़ करना है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है, सिंपली आप कंटिन्यू तो स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये एमुलेटर अपने आप को ऑप्टिमाइज़ करेगा। तो इसे ऑप्टिमाइज़ होने में भी आपका दोस्तों 4 से 5 मिनट ले सकता है, तो चलिए इसे ऑप्टिमाइज़ होने देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो एमुलेटर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ पर आप स्किप पे क्लिक करते हैं एंड यार सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन हो जाना है। यहाँ पर आप नया अकाउंट बनने की कोशिश मत करना, लॉगिन नहीं होगा, मेल आईडी बनाओ और सिंपली यहाँ पर लॉगिन कर लो। तो फटाफट से यहाँ पर मैं साइन इन हो जाता हूँ सक्सेसफुली अपने ईमेल अकाउंट से, यहाँ पर अपने प्ले स्टोर में लॉगिन कर लिया। अगर आप फ्री फायर डाउनलोड नहीं करना चाहते, अगर आपके पास OBB या आपके पास APK है आपके मोबाइल पे, उससे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको APK का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली अपना जो भी आपका APK रहेगा वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करना और यहाँ पर आपका जो APK वो इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ से आपको आपका फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो Ctrl+O दबाओगे तो आपका जो ये मेन डायरेक्टरी है ये खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना OBB को पेस्ट करना है, मैनेजर से अपना OBB को एंड्रॉयड फोल्डर पे जाना है, OBB पे पेस्ट कर देना, बस सिंपल सा है। बट यहाँ पर मैं फिर इंस्टॉल करूँगा, मतलब इट्स मीन यहाँ पर मैं डाउनलोड करूँगा। तो फ्री फायर मैं यहाँ पर डाउनलोड कर सेलेक्ट सर्च कर लेता हूँ, तो सिंपली अपन इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं एंड प्रोसेस पर क्लिक करते हैं। तो अराउंड ये 708 MB का ये टोटल गेम है, चलिए इसे डाउनलोड होने देते हैं। सक्सेसफुली यहां पर इंस्टॉल हो चुका है, सिंपली हम ओपन पे क्लिक करते हैं एंड मैं फिर बता दूं कि अभी आपको वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, अभी अपन की मैपिंग करेंगे क्योंकि इस गेम में आपको प्री की मैपिंग नहीं मिलता है एंड की मैपिंग करना काफी इजी है, कोई बड़ा जंजाल नहीं है, मैं आपको सब बताऊंगा।
बट एज यूजली जो न्यू अकाउंट बनाएंगे और उससे खेलेंगे तो मैं सिंपली ये बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये देख रहे हो लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर आपको कीबोर्ड का आइकन मिलेगा, सिंपली इस पर टैप करना है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर टैप करोगे तो यहाँ पर आपको इसे कट कर लेना है एंड ये वाला जो है गेम पैड वाले को सिंपली यहाँ पर आपको डाल देना, ठीक है। अभी के लिए सिंपली इसको सेव कर दो, हमें इसे इस आइकन में फिर से क्लिक करना है एंड यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली आपको वैसे ही करना है दोस्तों। सिंपली इस एरो पे आपको एक बार क्लिक करना है एंड ये जो आप देख रहे हो ये आपका शूटिंग का है, तो सिंपली आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस शूटिंग वाले पे आइकन पे डाल देना है। और ये माउस का है, ठीक है, तो सिंपली आपको इसे आप कॉर्नर पे डाल दो, ठीक है, सबसे कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे आपको डालना है, ठीक है, बीच में मत डालना, एकदम एडजस्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अपन सिंपली इसे सेव करके जो माउस है वो आराम से यहाँ पर देखो सेंसिटिविटी काफ़ी ओपी यहाँ पर अपने को देखने को मिल जा रहा है एंड हमारा गोली चल रहा है, ठीक है। फिर से हम लेफ्ट क्लिक करते हैं एंड फिर से उसी करना है यहाँ पर आपको, इसे मैं यहाँ पर स्पेस में कर देता हूँ, इसे सी कर देता हूँ, इसे मैं जेड कर देता हूँ, ठीक है, और इसे मैं आर रीलोड कर लेता हूँ, वन कर लेता हूँ, इसे टू कर लेता हूँ, इसे मैं थ्री कर लेता हूँ, ठीक है, इसे मैं मैप में एम कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपका टैब बटन काम नहीं करेगा तो बी से बैक, ठीक है, और इसे आप एच कर ले, एच फोर हेल्थ, एंड ये शिफ्ट बटन भी आपका काम नहीं करेगा तो यहाँ पर और किसी बटन में आपको यहाँ पर डालना होगा। तो इसे मैं यहाँ पर मैं इसे वाई कर लेता हूँ, ठीक है, अभी अभी एज यूजुअली के लिए, आप बाद में इसे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई अपने को पीछे से ठोक रहा है, अरे भैया काहे काहे परेशान हो रहे हो। चलिए हम ये चेंज करके देखते हैं, चलिए अभी चेंज हमारा ठीक से हो रहा है। हम कार का की मैपिंग कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हमारा जो कार का की मैपिंग है वो हमसे नहीं हो पाता है, तो यार चलो हम वो भी कर लेते हैं। अब क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर सेव करना है एंड कार के पास आपको चले जाना है, ठीक है। फिर से उस की मैपिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर आप इसे एफ पे कर लो ड्राइव में और इसे ई में कर लो, ठीक है, एंट्री। सिंपली आपको फिर से सेव करना है एंड सिंपली एफ से हम बैठ जाते हैं कार पे, ठीक है। अब क्या करना है, अपने को फिर से उस की मैपिंग वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पर एकदम आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आपको जो ये वाला बटन दिख रहा है सिंपली आपको इस पर टैप करना है एंड इसे आपको अपर बटन कर लेना है एंड इसे आपको डाउन वाला कर लेना है, ठीक है। सेम आपको इसे लेफ्ट करना है एंड इसे राइट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि जो भी नीड वाला की मैपिंग है अपना कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर सिंपली हम इसे सेव करके क्लिक करते हैं एंड देखते हैं कार चला के कि भैया अपना कार कैसे चल रहा है। यहाँ पर जो हमारा कार है दोस्तों वो काफ़ी ओपी कंट्रोल हो रहा है एंड काफ़ी स्पीड चल रहा है कार। तो यहाँ पर अपने को कार कंट्रोल थोड़ा उल्टा फुल्टा हो गया, अपने को राइट करना था, तो सिंपली इसे हम इसे डाउन करते हैं एंड इसे अप करते हैं, तो थोड़ा उल्टा फुल्टा हो गया। सिंपली अपन सेव पे क्लिक करते हैं एंड चलिए अब देखते हैं, सिर्फ अपने लुएंट पीसी या लैपटॉप पे फ्री फायर खेल सकते हैं वो बिना परेशानी के। एंड देखो यार की मैपिंग ये सिंपल वे में था, आप आराम से अपने हिसाब से जो की मैपिंग आपको सूटेबल लगे, जो भी आपको लगे आप कर सकते हो। बट मैं जो आपको की मैपिंग बताऊँ वो काफ़ी इजी एंड काफ़ी अच्छा है यार, आप आराम से दो तीन मैच खेलोगे तो आपको पता चल जाए कौन सा की मैपिंग कहाँ पर है। तो बल्कि इस बस आज की वीडियो बस इतना ही था कि कैसे आप फ्री फायर को अपने लो एंड पीसी या लैपटॉप में खेल सकते हो बिना परेशानी के। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आए, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने रसगुल्ले प्यारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो कि भाई उनके पास भी एक लो एंड पीसी या लैपटॉप है और वो फ्री फायर खेलना चाहते हैं। ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।